सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहां से अभी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी डबल डेकर वुड ब्रिज पर, जो कि वहां नीचे है। मौसम काफ़ी प्लीजेंट है और अब देखते हैं कि कैसा हमारी जर्नी होती है स्टार्ट फ्रॉम हियर टू डबल डेकर ब्रिज। और हम नीचे ही स्टे करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग आना जाना है। लेट्स सी हाउ दिस थिंग गोस। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर दिए। शायद भाई कैसा दिख रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम शायद भाई इज़ गोइंग टू ट्रैक एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक एंड ईजीएस्ट ऑल्सो, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल अच्छा है तो ऑब्वियसली ईजी रहेंगे। लेकिन हमारे साथ सब मॉडल्स ही मॉडल्स हैं। देखो अब ये हमारे तैयार होते हुए सलमान तैयार हो रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं सलमान। और अबरार हमारे अबरार भाई नहीं अरे यार उसको हलाओ मत यार, स्टिंग को परेशान कर देंगे। सो अबरार बोलिए आप हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अरे भाई देखो अभी तो जाना है, अभी तो कुछ बता नहीं सकते कैसी फीलिंग है, अभी तो थोड़ा एक्साइटमेंट में। सो लेट्स गो साथ। Start the journey. Sure. Okay, okay. Start. So, guys, अभी हमने स्टार्ट कर दिया ट्रैकिंग, जा रहे हैं नीचे की तरफ। सो थोड़ा लेट स्टार्ट किया हमने ट्रैकिंग, बट हमारा आज का जो प्लान है वो है कि सिंगल डेकर ब्रिज और डबल डेकर ब्रिज हम आज कंप्लीट करें और उसके बाद देखते हैं अगर हमें टाइम मिलता है या मौसम अच्छा होता है तो हम रैम्बो फॉल्स के साइड भी जाएंगे। और हमारा प्लान है कि हम नीचे ही स्टे करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टे क्योंकि इट्स मोर देन 4000 स्टेप्स डाउनवर्ड्स, बट हार्ड जो टास्क है वो ऊपर से नीचे जाना नहीं, नीचे से ऊपर आना है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर एवरी वन। सो इट्स बेटर कि अगर आप प्रिपेयर होकर आए मेंटली कि आपको स्टेप्स, ऑल्दो ये ट्रैक मतलब थोड़ा ही डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं है, बट इट टेस्ट योर यू नो फिज़िकल लेवल के कैसे आप फिजिक, अगर आपकी फिज़िकल लेवल अच्छी है और मेंटल लेवल अच्छी है तो आप इस ट्रैक को इजीली कर लोगे। बट डेफिनेटली थोड़ा लगेज कम कैरी करें। अभी हम लोग बिल्कुल हमारा लगेज हमारा कार में ऊपर पार्किंग में हम रख दिए हैं और जितना हमें एक नाइट के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लेके अभी चल रहे हैं। सो गाइस इन्जॉय करें इस ब्यूटीफुल व्लॉग को और इस ब्यूटीफुल ट्रैक को जो कि है डबल डेकर ट्रैक। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमें कम से कम 4000 स्टेप्स नीचे जाना है। फिर हमारा प्लान था कि हम वहाँ पर नीचे रुकें, बट एक ट्रेजेडी हो गई थी और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। 4000 स्टेप एक ही दिन में उतरना और 4000 स्टेप एक ही दिन में चढ़ना। उतरना तो ठीक है बट चढ़ने के लिए काफ़ी हमें मेहनत लग गई और रात हो चुकी थी उसके लिए। लेकिन जो नज़ारे हमने देखे वो अनबिलीवेबल, अमेजिंग, और एक ट्रैक लवर के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे वैसे वैसे ही कुछ लोग ऊपर भी आ रहे थे। तो हर एक ऊपर वाले आने वाले से आदमी से हम पूछ रहे थे कि कब आने वाला है डेस्टिनेशन, कब आने वाला है। तो सबका एक ही जवाब था, बस थोड़ा ही उतरना है। लेकिन सब के सब बहुत झूठ बोल रहे थे क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन था वो काफ़ी दूर था। और यंग लोगों के साथ साथ ओल्ड लोग भी इस ट्रैक में थे साथ में। और जैसे आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा डेस्टिनेशन है जो अभी एरो से हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें जाना है अराउंड 4000 स्टेप डाउन, बट कैसे ट्राइड ये जो नज़ारे हैं ब्रेथ टेकिंग। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 3 किलोमीटर की स्टीप डाउन ट्रैक कर रहे हो।
और फिर 3 किलोमीटर की स्टीप अप ट्रैक भी आपको कंप्लीट करनी है। तो गाइस ये जो रास्ता है ये काफ़ी लंबा है और आप सुबह जल्दी अगर स्टार्ट करते हैं तो ही आप सही टाइम पे पहुंच सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ संडे को ये वाटरफॉल और डबल डेकर ब्रिज बंद रहता है, तो ये भी आप देख लें। ये मुझे चीज़ थोड़ी डिफरेंट लगी क्योंकि मेघालय में वाटरफॉल्स एंड ऑल अदर्स कुछ आइटम हैं जो मतलब वो नेचुरल साइट सीइंग है जो बंद रहते हैं संडे के दिन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट स्टील ब्रिज पर। ये बहुत ही नैरो पैसेज में बना हुआ है और यहाँ से जाने के लिए काफ़ी आपको गट्स लगेंगे और ये ब्रिज पे एट अ टाइम बहुत कम लोग जा सकते हैं। बट एनी हाउ ये भी एक अच्छा एडवेंचर एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो नीचे की नदी काफ़ी फ्लो करती है, उस टाइम पर यहाँ से ट्रैवल करना काफ़ी एडवेंचरस होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं स्टील ब्रिज पर। बॉस बहुत डेंजर जो है सो ट्रैकिंग है। शाहिद भाई क्या बोलते हैं, क्या बोलते सलमान, कैसी है ट्रैकिंग, हाउ इज द ट्रैकिंग? सलमान की बहुत बहुत यहाँ पे हालत डाउन हो गई है। वो हालांकि जिम प्लेयर है, आप मेरी सूरत से देख सकते हैं। शाहिद भाई हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर? यस ग्रेट, दैट वाज अमेजिंग। सर अब अब्रार Speechless view we can see. Yeah. How's the view? Yo. How's Meghalaya? Yeah. How's Meghalaya? छोटे छोटे स्टॉप्स आप ले सकते हैं, इस बीच आप अपने आप को फ्रेशन अप कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी स्प्रिंग वाटर है तो आप उसको ड्रिंक भी कर सकते हो। बट देख के आराम से आप उसे ड्रिंक कीजिए। अगर आपके साथ टूर गाइड है तो आप उसकी मदद लें, वो आपको बताएगा कौन सा पानी पीने के लायक है और कौन सा नहीं है। बॉस देखिए आप नज़ारे, समझ सकते हैं आप क्या हालत हो चुकी है सबकी। वाह, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और हाँ जेरी से हाय। जेरी भाई वेरी 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 हेल्प, जेरी इज सो हेल्पफुल। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम एनी गाइड, बट जेरी इज वेरी 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 सपोर्टिव, ही नो अस वेरी वेल। पीपल कमिंग फ्रॉम द सिटी इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू ट्रैक। और सलमान बॉडी बिल्डर है, लिफ्ट 150 kg but he's not able to track. Wow. Do that daily. So, enjoy the view of the...
गाइस, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग एट लास्ट पहुँच गए हैं हैंगिंग ब्रिज। ये है सिंगल डेकर हैंगिंग ब्रिज और मेरे पीछे उस साइड है डबल डेकर हैंगिंग ब्रिज। सो इट टुक अबाउट 2-2.5 आवर